subscribe to Fashion and Finery, and don't forget to hit the bell icon. Hello everyone, welcome to Fashion and Finery. Hope you all are doing well. छोटी सी एक वीडियो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ. ज़्यादा टाइम आप लोगों का मैं लूँगी नहीं, सिर्फ आप लोगों को थैंक यू बोलना है. थैंक यू सो वेरी मच सब लोगों को जिन लोगों ने मेरा बर्थडे विश किया है कमेंट में, मुझे बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो वेरी मच. और आप सबके लिए मेरा ढेर सारा बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ब्लेसिंग. गॉड ब्लेस यू ऑल. और बहुत सारा प्यार, हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे और हेल्दी वेल्दी रहे और हमेशा मस्त रहे. आप सबको सबके लिए मेरे दिल से दुआ है. और हाँ, एक दो कमेंट का भी जवाब देना है मुझे. मेरा बर्थडे का जो केक लेने के लिए हम लोग गए थे ना, संडे को हम लोग शॉपिंग के लिए निकले थे, मैं और मेरी माँ. और केक लेने के लिए जब केक शॉप में एंटर किए तो मैंने सवाल किया था, बताइए तो ज़रा कि मेरी माँ किसके लिए केक ले रही है. और वही मैंने टाइटल में भी लिखा था कि बताइए किसके लिए मेरी माँ केक ले रही है. तो सारे कॉमेंट करने वालों में से सिर्फ दो जन ने जवाब दिया था, बाकी लोगों ने जवाब नहीं दिया. और जिन दो जनों ने जवाब दिया था उनमें से एक है विनू जी. विनू जी थैंक यू सो मच, आपने जवाब दिया. और वानी जी थैंक यू सो वेरी मच. आप दोनों का ही नाम वी से है और सिर्फ आप दोनों ने ही जवाब दिया. जवाब ये था आप लोगों का कि किसी के लिए केक ले रहे हो, किसका बर्थडे है ये आप पूछा था. किसका बर्थडे है, किसी का बर्थडे है ये आपने लिखा था. तो एक्चुअली ना, अगर किसी और का बर्थडे होता तो मेरी माँ आगे कर देती, जा तू केक लेके आ, क्योंकि मम्मी की बेटी का बर्थडे था इसके लिए मम्मी खुद केक ले रही थी. तो ये है कि दूसरों के लिए तो मुझे आगे कर देती है मेरी माँ, लेकिन मेरे लिए हमेशा खुद आगे खड़ी हो जाती है. और दूसरी बात ये है कि मेरा बर्थडे का जो ब्लॉग था, मैं बोल रही थी ना कि देखिए मेरी मम्मी गाउन में कितनी प्यारी लग रही है ना, तो उसमें किसी ने बोला है कि माँ तो हमेशा ही प्यारी लगती है. बहुत सही लिखा है, बहुत सही बात है. मम्मी माँ जो है ना वो हमेशा ही बहुत खूबसूरत होती है, माँ का रूप ही बहुत खूबसूरत है. और बेटी, जो भी बेटी हो बेटा हो, सब की जिम्मेदारी है माँ को प्यार देना, इज्जत देना और माँ की तारीफ करना. पेरेंट्स को प्यार देना, पेरेंट्स की जिम्मेदारी उठाना, जब हम खुद लायक हो जाते हैं ना, जब हम पेरेंट्स की जिम्मेदारी उठाते हैं, हर छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखते हैं, हर छोटी छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कभी परेशानी नहीं आने देंगे, हमेशा पेरेंट्स के लिए खड़ा होना, जिम्मेदारी को निभाना, हर बच्चे का काम होता है, हर बच्चे की जिम्मेदारी होती है. जब हम छोटे होते हैं हमारे लिए हमारे पेरेंट्स हमेशा खड़े होते हैं, तो जब हम बड़े हो जाए तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम हमेशा हमारे पेरेंट्स के लिए खड़े हो जाए, है ना, ताकि उनको कभी कोई तकलीफ ना आने दे. जब हम उस लायक बनते हैं और हम बोलते हैं कि हम अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं, तो ये गलत है. जिम्मेदारी उठाओ, इज्जत दो, प्यार दो और उनकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखो, ये हर बच्चे की जिम्मेदारी होती है. और रही मेरी माँ की बात ना, यकीन मानिए अभी भी लोग बोलते हैं कि तेरी माँ, मुझे बोलते हैं कि तेरी माँ तुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, और मेरा सीना एकदम खुशी से, गर्व से चौड़ा हो जाता है. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई ऐसा कहता है कि तेरी माँ तुझसे ज़्यादा खूबसूरत है. मैं तो मेरी माँ की परछाई हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है ये सुन के. और ये बहुत सही बात है, मेरी माँ ना जब यंग थी तब की जो खूबसूरती थी, मेरे पापा दीवाना हुए ही थे मेरी मम्मी की खूबसूरती देख के. उनका 10% सिर्फ बचा है अभी, 10%. अगर जिन लोगों ने उनको यंग एज में देखा होगा ना, वो लोग अभी की खूबसूरती को खूबसूरती नहीं बोलेंगे. मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी, पापा तो दीवाना हुए थे, क्रेजी हुए थे, उनके पीछे पड़े थे उनकी खूबसूरती की वजह से. अंदर उनका लव मैरिज था. ये हो गया. और एक मैसेज, और सॉरी मैसेज नहीं, कमेंट का जवाब देना है. मैंने बोला था ना कि मेरी माँ खिचड़ी और बिरयानी और क्या खीर बहुत अच्छा बनाती है, ये मेरा कहना नहीं है. किसी ने तो जवाब दिया था, मैं ना एक्चुअली दूसरा मोबाइल लेके नहीं बैठी हूँ, तो मैं अभी देखना, चेक करना पड़ेगा कि माँ लोग खाना अच्छा ही बनाती है, मम्मी तो हमेशा खाना अच्छा बनाती है. बहुत सही बात है, लेकिन मैं अपनी मम्मी की अगर तारीफ़ करूँ ना, तो ऐसा होता है कि बेटी है ना माँ की तारीफ़ कर रही है, ऐसा नहीं है. अगर मैं मेरे माँ का कुछ भी बना हुआ खाने का तारीफ़ कर रही हूँ ना, ये दुनिया तारीफ़ करती है. यानी कि पड़ोसी के घर में जब पूजा में जाके मम्मी ने खिचड़ी बनाई थी, खिचड़ी बना के खा के हम लोग आ तो गए थे, लेकिन उनके घर में जब रात में भी लोग आ रहे थे खाने के लिए और मेरी मम्मी की बनाई हुई खिचड़ी खा रहे थे ना, तो पूछ रहे थे लिटरली लोग कि किसने बनाया खिचड़ी, इतना टेस्टी, इतनी टेस्टी खिचड़ी पूछ रहे थे. तो ये होता है ना कि दूसरा जब तारीफ़ करे, जिन लोगों ने देखा नहीं मेरी माँ को, वो लोग तारीफ़ कर रहे हैं.
ये बात बहुत अच्छा लगता है, जो लोग मेरी माँ को देखे भी नहीं है, जानते भी नहीं है, लेकिन उनके हाथ का खाना खा के पूछते हैं किसने बनाया इतना टेस्टी खाना, तो ये बहुत अच्छा फील कराता है, बहुत खुशी महसूस होती है। तो ये मैं खुद तारीफ करूँ मेरी माँ की तो ये कुछ ज़्यादा हो जाता है, मैं अपनी तारीफ अपने मुँह से अपनी माँ की तारीफ नहीं कर रही, ये जो दुनिया करती है वही बात मैं यहाँ बैठ के वीडियो में आप लोगों को बताई थी। और स्पेशली आज की वीडियो उन लोग सबके लिए जिन लोगों ने मुझे मेरे स्पेशल डे पर विश किया, थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन फॉर विशिंग मी ऑन माई स्पेशल डे। और अब मैं ख़त्म कर रही हूँ, यू ऑल टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लव यू ऑल, बाय बाय।